तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वी लुकअप, और वी लुकअप में हम जिसकी बात कर रहे हैं कि लिस्टिंग का पार्ट हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए हमारे इस डेटा जो आपके सामने डेटा आ रहा है, इस डेटा में ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई यूनिक की नहीं है, डिपार्टमेंट है, और इसमें एक डिपार्टमेंट कई बार रिपीटेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइनेंस डाला, एंटर मारते ही फाइनेंस के जितने भी रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गया, जो भी रिकॉर्ड्स है फाइनेंस के। ठीक है, तो फाइनेंस के सारे रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे मिल देखने को मिल गया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारा वी लुकअप में थोड़ी सी चेंजिंग करने से। तो चलिए हम कैसे करेंगे चेंजिंग, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा यहाँ पे लगा हुआ फॉर्मूला डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए इसके लिए हमें एक छोटी सी काम करना पड़ा कि हमें एक सीरियल नंबर का व्यवस्था करना पड़ा। तो हमारे एक डेटा जो है, डेटा में हमने एक रो को इंसर्ट किया, और काउंट इफ का फॉर्मूला होता है। जैसे मुझे अगर पता करना है कि फाइनेंस जो है इस कॉलम में कितना बार है, या कोई भी अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा जाए तो डिपार्टमेंट का काउंट कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं। कि काउंट इफ हमने सिलेक्ट किया एंड कॉमा हमने इसको सिलेक्ट करके एंटर मारा, तो काउंट में हमारा 10 आ रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह हम यहाँ ये जो कॉलम इंसर्ट किया है वहां भी हम काउंट इफ का इस्तेमाल करें। अगर मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके और ये करूँ तो यहाँ भी फाइनेंस 10 आएगा, और जहां जहां फाइनेंस होगा वहां वहां भी 10 आएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, मतलब कि यहाँ पे इस तरह से चाहिए कि पहला फाइनेंस और नीचे कहीं उसको मिला फाइनेंस तो वो दूसरा फाइनेंस हो जाएगा, उसके नीचे तीसरा, ऐसे ऐसे हम सीरियल नंबर देना चाहते हैं। तो याद होगा जब हमने इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था तो हमने डेटा को शॉर्ट किया था, और डेटा को शॉर्ट करके इसका यूज किया था। बट यहाँ हम डेटा शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा शॉर्ट नहीं कर सकते, डेटा हमारा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर शॉर्ट करते तो हम उसी मेथड अपना लेते, लेकिन शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट इफ का, और काउंट इफ में हम पूरा रेंज नहीं देंगे। देखिए हम G2 से G2 ले रहे हैं और इसी को हम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ 1 आया। अब नीचे ड्रैग करने से पहले हम पहला जो है हमारा G2 से G2 एंड G2, तो G2 से G2 है, इसको हम डॉलर साइन लगा के फ्रीज कर देते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि सीरियल नंबर आया। तो यहाँ पे सीरियल नंबर कैसे आया, क्योंकि काउंट इफ में हमने क्या किया कि पहले वाले को फ्रीज किया, दूसरे वाले को फ्रीज नहीं किया। जब ड्रैग किया तो पहला वाला तो फिक्स रहा, दूसरा वाला इंक्रीज हुआ। इससे हुआ क्या कि अगर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये अपने से ऊपर वाले डेटा को ही में काउंट कर रहा है, जिससे नीचे वाले में काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है सर, समझ में आया? ओके तो इससे बेनिफिट क्या सर, हुआ बोलिए। इसमें काउंट इफ में IFS अगर एक एक कंडीशन और डाल दे तो काउंट इफ के अंदर उससे कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ हाँ, अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे, बट ठीक है। हाँ मेरे पास यहाँ पे एक ही कंडीशन है, इसलिए हमने काउंट इफ ही लिया। आगे हम काउंट हाँ इफ के बारे में पढ़ाएंगे, क्योंकि तो क्लासेस काउंट इफ का नहीं वी लुकअप का है, तो जी काउंट इफ जी वी ओके लुकअप को सपोर्ट कर रहा है। जी उसके बाद इस सीरियल नंबर के साथ हम कॉनकाटा नेट लगाए, और कॉनकाटा नेट में हमने
वापस हमने फाइनेंस को लेके सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हो गया। और फिर मैं यहां पे सीरियल नंबर कंडीशन दिया कि इफ इसको सिलेक्ट किया ए ग्रेटर देन जीरो तो यहां वन आए, अदरवाइज ब्लैंक ब्लैंक आया। और फिर यहां पे कंडीशन दिया कि इफ अगर ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन टेन होता है तो ब्लैंक करो, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करके सीरियल नंबर को बनाओ। ये हम आगे भी इफ के फॉर्मूला में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हमने इसको इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया और हमें कर दिया, क्योंकि इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करना जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारा एक जो ब्लैंक सेल है वो ब्लैंक सेल मतलब एरर होगा, ब्लैंक सेल प्लस वन नहीं होगा इसलिए एरर आएगा, इसलिए हमने किया। और ये चीज तो हमने इफ की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और नीचे ड्रैग करने से पहले हम एम टू को हमने कर दिया फ्रीज। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि एक काउंट बता रहा है कि इस फाइनेंस की टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं और जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने ही सीरियल नंबर जनरेट होगा, उससे आगे का सीरियल नंबर जनरेट नहीं होगा। लेकिन हम फॉर्मूला आगे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे वी लुकअप, हमारा यूनिक आईडी क्या है, सीक्वेंस नंबर के साथ हमने डिपार्टमेंट को मर्ज कर रखा है, तो यहां भी हम वी लुकअप लगाते समय सीक्वेंस के साथ मतलब सीरियल नंबर के साथ डैश सेपरेटर देके मैंने भी अपना डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया। फिर टेबल एरे हम यहाँ पे आ गए और कॉमा यहाँ पे सीरियल नंबर दे दे या फिर मैंने मैच लगा दिया। अब आगे को ड्रैग करना है तो ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना पड़ेगा, K5 का K फ्रीज करना पड़ेगा, L2 का सब फ्रीज करना पड़ेगा फिक्स, और L4 का 4 फ्रीज करना पड़ेगा और इसका ये फ्रीज करना पड़ेगा। और इसमें मान लीजिए नीचे जब ड्रैग करेंगे तो एरर आएगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इफ एरर का कि वी लुकअप अगर एरर देता है तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए। और फिर अपना जितना डेटा है उस सारे डेटा में इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब लीजिए इसमें तो आया, इसमें क्यों नहीं आया, ओ देखिए यहां हमने फ्रीज नहीं किया था इसको, ठीक है। आप बोलोगे कि सर आपका ये बॉर्डर क्यों आ रहा है, तो इसके लिए हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हुआ है। इसमें एक्सेल को सिलेक्ट किया और हमने बोला कि अगर नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो इस पे हमने बॉर्डर अप्लाई कर दिया, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि जितना डेटा होगा, जैसे आईटी का डेटा है, आईटी का डेटा डाला और देख ज्यादा सॉरी 14 हो गया, सेल्स सेल्स किया हमने 13 हो गया, तो कुछ पल्ले पड़ा। हाँ जी सर,
अब पल्ले पर आते इसमें एक कीजिए आप लोग, एक क्या करना है कि इस पे टोटल ऐड करना है यहाँ पे, समझे, जो कि इन तीनों का टोटल करे, इस सबका टोटल करे, लेकिन वो टोटल वी लुकअप के साथ ट्रेवल करे। जैसे कि अभी 13 है तो मेरा टोटल होना चाहिए 19 कॉलम पे, मतलब कि यहाँ पे। लेकिन जब मान लीजिए जब मैं इसका कर रहा हूँ आईटी का कर रहा हूँ, तो आईटी का 14 हो गया, तो मेरा टोटल यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाए। उससे पहले फिर मैंने किया फाइनेंस किया था तो 10 ही था, तो यहाँ आ जाए। मतलब जैसे ही डेटा खत्म हो उसके अगले के अगले सेल में, एक सेल ब्लैंक छोड़ दे, चाहे अगले सेल भी कर सकते हो, लेकिन मैं ब्लैंक छोड़वाना चाहता हूँ, एक सेल ब्लैंक हो सेल छोड़ के वहां पे टोटल ऐड कर दे। सैलरी का टोटल सर, सैलरी और बोनस। हाँ सैलरी बोनस ओवर टाइम का टोटल कर दीजिए, क्या दिक्कत है। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है इस पे, और आज हम आपकी वी लुकअप का चैप्टर को फिनिश करते हैं। फिर वी लुकअप पे आपको हम प्रैक्टिस का टाइम देते हैं, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ जी, प्रैक्टिस का टाइम देता हूँ। उसके बाद हम मंडे को वी लुकअप से रिलेटेड एक टेस्ट करेंगे, फिर हम आगे हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला उस पर मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं आप? करेंगे तब पता लग गया सर अभी तेरे को। हाँ रवि जी गो अहेड, मैं ये कह रहा हूँ अब इसको करेंगे तब तब आएंगे क्वेश्चन, तभी तो खुद करके देखता पता लगेगा। चलिए मैंने भेज दिया है सर आपको। सुजीत जी अगर हो सके तो आपने अगर रिकॉर्डिंग करी तो मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजना, मेरी ना बीच में एक बार लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ।